डिओ में हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट सीखेंगे कैसे न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे तो एक टावर हंड्रेड मीटर हाई टावर एक है जिस पे एक गन से बुलेट को फायर किया गया है टेन मीटर पर सेकेंड से ठीक तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें पूछेगा कि ये कितने टाइम पे ग्राउंड पे आ जाएगा ये बुलेट कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करने में और पूछेगा कि रेंज कितना आएगा इसका और किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी बीच के इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो देखिए इसको टेन मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया मैंने तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि एट एनी टाइम टी विच इज इक्वल टू तो वन सेकेंड इट्स वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट तीनों तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट अभी ऐसे टेंजेंट की तरफ चल रहा है तो भी ग्रेविटी डाउनवर्ड ही है यहाँ भी आ जाएगा तो भी ग्रेविटी झी नीचे ही लगेगी लेकिन हॉरीजोंटल डायरेक्शन में इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है थ्रू आउट इट्स मोशन हॉरिजोटल डायरेक्शन यानी इधर की तरफ इधर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है और वो भी वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक बार वेलोसिटी आपने दे दिया टेन मीटर पर सेकेंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो किसी भी इंस्टेंट पे पूछेगा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेन ही रहेगा तो आफ्टर वन सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन इट्स वेलोसिटी इज टेन मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड रहा वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो फोर्स इस पर एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ लेकिन इनिशियली इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था इसीलिए इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था इधर की तरफ कुछ भी वेलोसिटी नहीं दिया था मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे फायर किया गया था गन से तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है और फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी वी इक्वल टू यू प्लस तो यू जीरो है इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो और एक्सेसन ये अंडर ग्रेविटी है इसलिए टेन ले लेते हैं और टाइम वन सेकेंड दिया है यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी टेन मीटर पर सेकेंड वन सेकेंड पे इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी टेन आया और एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी भी टेन ही आया था इनिशियल जो था वही रहा था एक्स का और वाई का बढ़ कर टेन हुआ था तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं दो वेक्टर नाइन्टी डिग्री पे है तो रिजल्टेंट निकालते हैं फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर तो रिजल्टेंट भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से टेन रूट टू आ जाएगा नेट वेलोसिटी टेन रूट टू टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का रूट करेंगे तो टेन रूट टू आएगा तो इस तरह से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं और ये एंगल कितना फॉर्म किया है अगर एंगल पूछे तो फोर्टी फाइव बनाएगा क्योंकि ये भी टेन है और ये भी टेन तो एंगल फोर्टी फाइव डिग्री फॉर्म करेगा इधर हॉरिजॉन्टल से एंगल या वर्टिकल से भी निकालेंगे तो भी फोर्टी फाइव आएगा टोटल टाइम ऑफ लाइट बताना है यहाँ से यहाँ गिरने में कितना समय लगा तो ग्राउंड से ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है यहाँ ग्राउंड से ग्राउंड वाले में टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला थर्टी इक्वल टू टू यू साइन थीट्रा बाई जी लेकिन ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर वर्टिकल मोशन वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वाई कितना है हंड्रेड और पहले हाईएस्ट पॉइंट पे था और बाद में ग्राउंड पे आया तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ है इसलिए माइनस हंड्रेड एंड इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो था क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा उसका ज़ीरो हाफ एटी स्क्वायर ए माइनस टेन लिया हुआ है यहाँ ए की वैल्यू क्या है माइनस टेन माइनस टेन क्यों लिया मैंने प्लस क्यों नहीं लिया क्योंकि अर्थ तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है ऑब्जेक्ट को और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं इसीलिए माइनस टेन तो टू से माइनस टेन गया माइनस फाइव टाइम्स फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो टी स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड बाई फाइव इच इज इक्वल टू ट्वेंटी तो टी का वैल्यू टू रूट फाइव आयानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू रूट फाइव हुआ अब लास्ट इसमें पूछता है कि रेंज कितना हुआ ये बताइए रेंज मतलब हॉरिजॉन्टली ये इस टावर के बेस से कितना आगे जाके गिरेगा तो हॉरिजोंटल मूव कराने के लिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है और वो टेन है और एक्स को कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ टेन फिक्स है तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम राइट स्पीड है टेन और टाइम अभी अभी, अभी अभी आया है टू रूट फाइव टू रूट फाइव सो टेन इंटू टू रूट फाइव आ गया ट्वेंटी रूट फाइव तो इसका रेंज होगा ट्वेंटी रूट फाइव अब प्रोजेक्टाइल को हाइट ऑफ टावर से ये भी फिर से एक टावर है और इसके ये भी हंड्रेड मीटर हाइट का ही है और इस बार तो फायर किए लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं कुछ एंगल बनाकर फिफ्टी थ्री डिग्री एंगल पे तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी का रिजोल्यूशन करने से कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा अगर ये टेन है तो टेन कॉस फिफ्टी थ्री डिग्री विच इज़ इक्वल टू सिक्स ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया कॉस फिफ्टी थ्री डिग्री की वैल्यू थ्री बाई फाइव वैसे ही इस वेलोसिटी का वर्टिकल भी आएगा इस बार टेन साइन फिफ्टी थ्री और फिफ्टी थ्री साइन फिफ्टी थ्री फोर बाई फाइव होता है तो टेन इंटू फोर फाइव फाइव एट मीटर पर सेकेंड तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितने समय में जाएगा ऐसा पूछेगा आपको कि ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है इसका डायग्राम एक बार देखिए इस फिगर में हाईएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट मतलब तो जहाँ से आप फायर किए ये इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेगा तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है जीरो एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है एक बार इनिशियल जो हो गया वो हो गया तो वी इक्वल टू यू प्लस एट्टी हाइस्ट पॉइंट पे वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एट और एक्सेलरेशन माइनस टेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इससे एक ही वेरिएबल इसमें है टी तो हाइस्ट पॉइंट पर जाने में उसे ज़ीरो समय का ज़ीरो पॉइंट का टाइम लग जाएगा टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर निकालना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस आफ एट स्क्वायर में वर्टिकल डायरेक्शन में तो माइनस हंड्रेड ही ट्रेवल किया वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि देखिए इस प्रोजेक्ट ट्रायल में यहाँ पे है ये प्रोजेक्ट ट्रायल तो ये भले ही ऐसे जा रहा है ऊपर जा रहा है फिर से नीचे वापस आया है लेकिन एस इक्वल टू यू टी प्लस आफ एटी स्क्वायर में एस डिसप्लेसमेंट होता है डिस्टेंस नहीं होता है इसलिए ये एक्चुअल पाथ ये कितना जा रहा है ये नहीं लेंगे बस यहाँ और लोएस्ट पॉइंट नीचे उसमें वर्टिकल गैप कितने का आया तो हंड्रेड मीटर का टावर था तो वर्टिकली वो हंड्रेड मीटर ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये क्योंकि इनिशियल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ था और फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट उससे हंड्रेड नीचे है तो माइनस हंड्रेड का डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई डायरेक्शन में तो माइनस हंड्रेड एस के जगह पर और यू इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट प्लस एट क्योंकि वो वाई एक्सिस की तरफ था इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और हाफ एक्सेलरेशन इन टू टी स्क्वायर माइनस टेन ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस टेन इसे सॉल्व किए तो टी के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन निकाले माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी सी बाई टू ए करने से टाइम का वैल्यू फाइव पॉइंट थ्री सेकेंड आयानी ये पूरा फाइव पॉइंट थ्री सेकेंड लगेगा इसको यहाँ से नीचे ग्राउंड तक आने में तो अगर रेंज पूछेगा रेंज कितना हुआ इसका तो रेंज होता है एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस तो सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लेंगे और टाइम अभी अभी 5.3 आया तो 6 इंटू फाइव पॉइंट थ्री मीटर रेंज आ गया इसका तो इस तरह से आप प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के नोमेकल्स को सॉल्व कर सकते हैं